यहाँ पे सबसे पहले HCl है, हमने ये पढ़ा है कि जिसे करंट तेजी से पास करेगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जिसे नहीं पास करेगी वो वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और जिससे करंट आहिस्ता पास करेगी मतलब डिम लाइट होगी वो वीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशंस के अंदर वन बाय वन इसको डिप करेंगे। जब ये हमारे पास बल्ब जो है वो ब्राइट लाइट शो करेगा, ऑन होगा, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये बल्ब ऑन नहीं होगा हम कहेंगे ये सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये बल्ब ऑन हो रहा है लेकिन डिम लाइट होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये HCl का सॉल्यूशन है, जब हम इसमें डिप करेंगे इसको ऑन करेंगे तो ये हमारे पास ब्राइट लाइट है ना, डिम लाइट है कि ब्राइट है, ब्राइट है। इट मींस दैट कि जो HCl है ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एज यू नो दैट कि विनेगर में एसिडिक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ब्राइट लाइट भी शो करेगा, ये डिम लाइट शो करेगा। अब ये डिम लाइट है ना, उसकी रीजन क्या है कि वैसे ये लाइट डिम भी नहीं, ये लाइट होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसे करंट पास नहीं करेगी। बट अब ये करंट क्यों पास की है, हमने टैप वाटर यूज किया, हमने डिस्टिल्ड वाटर यूज नहीं किया। जब हम शुगर को डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करेंगे फिर उसे करंट पास नहीं करेगी। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो बल्ब है इसकी ब्राइट लाइट आनी चाहिए, डिम लाइट नहीं आनी चाहिए। बट अगर इसकी डिम लाइट आ रही है तो उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पर NaCl को जिस वाटर में मिक्स किया है वो वाटर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, बल्कि वो कौन सा वाटर है, टैप वाटर। तो हो सकता है कि जो टैप वाटर की इम्प्योरिटीज है वो करंट पास करने में रेजिस्टेंस करे, इस वजह से हमारे पास ये ब्राइट लाइट एज रेड ऑफ HCl आई थी। अब HCl की ब्राइट लाइट आई, लेकिन अगर हम HCl को टैप वाटर